मतलब गैसों का तबादला इंसानों के अंदर गैसों का तबादला किस तरह से होता है आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द एयर पैसेजवे इन ह्यूमन या एयर हवा पैसेजवे रास्ता हवा का रास्ता इन ह्यूमन इंसान के अंदर हमारे अंदर हमारे जिस्म के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं या फिर गैसों का तबादला किस तरह से होता है आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें जो फर्स्ट नंबर पर आता है वो होता है नोस्ट्रिल्स एंड इसके बाद देन नेज़ल कैविटी फैरिंक्स लैरिंक्स ट्रेकिया ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलाई। सबसे पहले हम नोस्ट्रिल्स को देखते हैं। नोस्ट्रिल्स क्या चीज़ है अभी पहले देखें ये बात पे गौर करें आप। द एयर पैसेज वे अभी इंसान में इंसान के अंदर जो हवा का रास्ता है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है ये सारी की सारी चीज़ें ही हमने यहाँ लिखी हैं। सबसे पहले आती है नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स ये इसकी भी टू टाइप्स होती हैं। एक होती है इंटरनल नोस्ट्रिल्स और एक होती है एक्सटर्नल। नाम से जाहिर हो रहा है इंटरनल मतलब अंदर की तरफ, एक्सटर्नल यानी बाहर की तरफ। नोस्ट्रिल्स ये होती है नाक के नथनी, ये नाक के जो छोटे सुराख होते हैं तो इसे कहते हैं नोस्ट्रिल। एक होते हैं इंटरनल एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल नोस्ट्रिल्स के जरिए अंदर की तरफ नोस्ट्रिल खुलती है। जब हम ऐसे सांस अंदर को लेते हैं तो फिर जो हवा अंदर की तरफ जो दाखिल होती है वो इंटरनल नोस्ट्रिल्स के जरिए होती है। उसके बाद आती है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी दरअसल ये हमारा नाक है, इसके अंदर जो खाली स्पेस होता है इसे कहते हैं नेजल कैविटी। ठीक है, अभी इसके अंदर भी दो चीजें होती हैं जो बीच में एक दीवार होती है इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। अभी मैं आपको बता दूं नेजल कैविटी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है म्यूकस और एक होता है फाइन हेयर यानी छोटे छोटे हेयर होते हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं और एक होता है म्यूकस। ठीक है, अभी ये म्यूकस और हेयर का क्या काम है अभी ये देखें। हेयर जो होते हैं ये एक्चुअली फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ठीक है, यानी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो भी उसको फिल्टर करते हैं एयर के साथ जो होते हैं। जैसे आप किसी भी फैक्ट्री एरिया में खड़े हैं, आप जैसे किसी भी आप फैक्ट्री एरिया में खड़े हैं वहाँ पर जो हवाई आलूदगी या पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वहाँ की जो एयर है उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से एयर उनको फिल्टर कर देते हैं। फिल्टर करते हैं तो हमें एक क्लियर हमें सांस मतलब हमें क्लियर सांस आती है, फिर हमें क्लियर हवा करके आगे फिर हमें सेंड करते हैं। इसके बाद है म्यूकस जो इसी का हिस्सा। म्यूकस का काम दरअसल क्या होता है, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर के साथ बाहर की हवा को मेनटेन रखने में मदद करता है। जैसे गर्मियों के अंदर हमारा बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और क्या बाहर की गर्मियों के अंदर जो बाहर का टेम्परेचर होता है ज़्यादा होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा उसके मुकाबले में कम होता है। तब उसको ये म्यूकस क्या काम करेगा, एयर को नमी देगा या थोड़ा सा उसको ठंडा करेगा ताकि हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो सके। ठीक है, इन दोनों का यही काम है। इसके बाद आता है फेरिंग्स। अभी यहाँ से देखिए नोस्ट्रिल्स हमने पढ़ लिया, नेज़ल कैविटी पढ़ लिया, फेरिंग्स की बात करते हैं। अभी जब ये नोस्ट्रल्स इंटरनल नोस्ट्रल्स के जरिए फेरिंग्स में ये खुलती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अभी फेरिंग्स ये क्या है, ये हलक है जो हमारा इसे ही एक्चुअली फेरिंग्स कहते हैं। ये एक मस्कुलर रास्ता होता है यानी बहुत सारे मसल से मिलकर बनता है। ठीक है, और इसमें से हवा भी गुजरेगी और खुराक भी, लेकिन एक वक्त में एक चीज़। जैसे आप खाना खा रहे हैं आप सांस तो नहीं ले सकते ना, मतलब आप खुराक को अंदर ले रहे हैं घर यहाँ तक पहुँचे तो आप उस टाइम सांस नहीं ले सकते, या फिर मतलब एक वक्त में एक चीज़ होगी या खुराक पहले जाएगी या सांस, मतलब हवा और खुराक दोनों इस दोनों के लिए फेरिंग्स मुश्तरक है, एक ही है। ठीक है, ये जो होता है एसोफेगस होता है ना, जो हमारा एसोफेगस इसके सुराख इसके बिल्कुल सामने होता है। और मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। फर्ज करें कि ये आपका हलक है और ये इसका फेरिंग्स है। ठीक है, ये मुंह से इस तरफ का ये आपका फेरिंग्स है। इसका जो एक सुराख होता है ये यहाँ से मतलब एक सुराख होता है जिसकी मदद से हवा इसी सुराख में से हवा भी गुजरती है और खुराक भी हमारी गुजरती है, लेकिन एक वक्त में एक चीज़ गुजरती है। ठीक है, और ये सुराख के इस सुराख को क्या कहते हैं, इस सुराख को कहते हैं ग्लॉटिक्स, ग्लॉटिस उर्दू में भी लिख देता हूँ ग्लॉटिस। अभी एक टिश्यू का बना पर्दा होता है, सही, इसी के ऊपर जो इसकी कवरिंग यानी इसकी सपोर्ट कर रहा होता है, इसकी मदद कर रहा होता है, इसको प्रोटेक्शन मुहैया करता है यानी इसकी हिफाजत करता है। ये ऊपर इस तरीके से पर्दा है, टिश्यू का बना एक पर्दा होता है जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस।
एपिक लॉटिस, उर्दू में भी लिख लेता हूँ एपिक लॉटिस। शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है अक्सर पेपरों में, पेपरों के हवाले से और एमसीक्यूज में भी आ सकता है ये ग्लॉटिस या फिर ग्लॉटिस क्या है। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर होगी होगी और इसमें ऐसा कुछ बताने का है नहीं। फैरिंग्स भी हो गया, अभी इसके बाद हम बात कर रहे हैं लैरिंग्स की। लेकिन लैरिंग्स की बात करेंगे हम, आप ये देखें जहाँ तक तो था इसका ये जो हलक का हिस्सा था ये था फैरिंग्स। फैरिंग्स के बाद ये जो इतना खाली हिस्सा होता है ना टॉप हिस्सा, हम कह सकते हैं कि ट्रेकिया, इसके बाद ट्रेकिया स्टार्ट होने वाला है। ट्रेकिया और फैरिंग्स के दरमियान में ये जो टॉप का हिस्सा होता है ये टॉप पोर्शन होता है, इसे कहते हैं हम लेरिंग्स। ठीक है, लेरिंग्स हम इसे असल में नाम जो देते हैं ना, हम इसको नाम देते हैं वॉइस बॉक्स का। वॉइस बॉक्स यानी आला सूत, आवाज पैदा करने का आला, आवाज पैदा करने वाला खाना। ठीक है, वॉइस बॉक्स। अभी हम इसे वॉइस बॉक्स नाम क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन पैदा होती है। आपको पता है कि कोई मतलब साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है, कोई बॉडी वाइब्रेशन पैदा करती है, किसी बॉडी वाइब्रेशन पैदा होती है तब साउंड प्रोड्यूस होता है। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ या मैं जैसे भी आवाज़ निकल रही हूँ, क्यों हम क्यों इस तरह की वॉइस, मतलब वॉइस तो कहते हैं एक तरह की बात करना है। आवाज़ तो जानवर भी निकाल सकते लेकिन एक क्लियर एक लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज में नहीं बात कर सकते। अल्लाह ताला ने इंसान को एक प्रॉपर्टी दी, एक खासियत दी है जिसे यही है, इसलिए इंसान को शफल मखलूकात कहा गया है। और इसी वजह से यही खासियत है कि जो इंसानों के अंदर अल्लाह ताला ने अता की है वो जानवरों के अंदर नहीं है। अभी आप कोई मतलब कोई भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं लेकिन जानवर इस तरीके से नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर वॉइस, ये हमारे अंदर लैरिंक्स होता है और जानवरों के अंदर लैरिंक्स नहीं होता। अभी ये हाँ ये बात क्यों कर सकते हैं इस तरीके से, हम इसकी वजह देखते हैं, बिकॉज ऑफ इसके अंदर वोकल पार्ट्स होते हैं। वोकल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स असल में इस तरीके के होते हैं, देखो हमारे लैरिंग्स के अंदर ये इस तरीके इस फाइबर से होते हैं, रेशेदार ऐसी पट्टियां होती हैं जो इस तरह के जोड़े बने होते हैं। जब हवा इनों में से टकराती है या फिर हवा जब इनों में टकराती है तो ये वाइब्रेशन पैदा कर होती है इनों में, और वाइब्रेशन पैदा होती है जिसकी वजह से हम बात कर सकते हैं, हम वॉइस निकाल सकते हैं, यानी कि साउंड पैदा कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसके अंदर इसके बाद आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया ये से क्या है, जो ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी, अगर कुछ ना भी आया आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके बाद आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया ये असल में होता है, इसे हम कहते हैं वाइंड पाइप यानी हवा की नाली। वाइंड पाइप यानी हवा की नाली, ठीक है। और इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 12 सेंटीमीटर और ये कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है, ये कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज हड्डी होती है, मैं बना देता हूं यहां एक मिनट। यहां से ही जो ट्रेकिया स्टार्ट हो रहा था, मैं ऐसे बताता हूं, यहां से लेके जो यहां तक हमारे चेस्ट तक का सीने तक का पोर्शन है या ये जो नाली होती है फ्रंट साइड पे, इसे कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया कहते हैं, यहाँ से फेरिंग्स से जो हवा फेरिंग्स से, एक बात मैं आपको बोला, फेरिंग्स के बाद जो होती है हवा होती है वो लैरिंग्स में जाएगी। लेकिन जब हमने बात की थी कि फेरिंग्स हवा और खुराक दोनों को गुजारेगा, लेकिन उसके बाद में एक बात नहीं की कि फेरिंग्स के बाद जो होती है हवा और खुराक दोनों क्या लैरिंग्स में जाएंगी, नहीं, लैरिंग्स में सिर्फ हमारी ये जो हवा ये जाएगी और जो खुराक होती है इसके पीछे मतलब एक और नाली बनती है, उसे कहते हैं एसोफेगस। खुराक वहां निकल जाएगी, वो फिर एसोफेगस का काम, उसके आगे फिर मजीद नालियां वगैरह होती है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ एयर की बात करें, एयर की बात करते हैं तो फिर इस फेरिंग्स के बाद सीधा लैरिंग्स में हवा जाएगी। लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया आएगी। ट्रेकिया ये जो हमारी गले की नाली होती है, जिस वाइड पाइप कहते हैं यानी हवा की नाली, हमारे यहाँ से स्टार्ट होती है या चेस्ट तक हमारे सीने तक ये होती है। इसकी जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है और ये कार्टिलेज के बाद इसके अंदर सी शेप के रिंग्स होते हैं, मुकम्मल गोल रिंग्स नहीं होते, कुछ इस तरीके से रिंग्स बने होते हैं सी शेप के, मुकम्मल तौर पे गोल नहीं होते, सी शेप के होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर होती है, मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, आप नोट कर लेना किसी भी नोटबुक में ताकि आपको बार बार कंफ्यूजिंग यहाँ पर समझने में आसानी हो। और
ये जो आपको दिखाई दे रहा है मैं सी शेप के कॉटिलेज के बने, कॉटिलेज असल में ये हड्डी होती है जो लचकदार हड्डी होती है और मुड़ सकती है, ठीक है, ये हड्डी का नाम है। इसके बाद जो आता है कॉटिलेज, इसके बाद आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है, हमने बात की कि ट्रेकिया हमारे चेस्ट तक होती है, इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर होती है। अभी इसके बाद ये फिर ऐसे दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है कुछ इस तरह से। अगर हम बाहिक बात करें तो एक को कहेंगे ब्रोंकस, अगर प्लूरल की बात करें मतलब प्लूरल की बात करें तो हम ब्रोंकाई कहेंगे, अगर सिंगुलर कहेंगे एक को कहेंगे तो ब्रोंकस कहेंगे। अभी एक जानब की ब्रोंका, एक जानब का ब्रोंकस एक फेफड़ा बनाता है, ये देखें आप, एक मिनट सही से बना देता, एक जानब का ब्रोंकस है, आपको समझाने के लिए जस्ट ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, फर्श करेंगे फेफड़े बनाए, ठीक है। अभी कुछ इस तरीके से लंग्स होते हैं हमारे, अभी ये जो होता है इसके ब्रोंकाई, अगर वाइड पड़े तो सिंगुलर पड़ेंगे तो ब्रोंकस होता है, ठीक है, ये भी हमने भी समझ लिया। अभी इसके बाद आया ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स क्या है, अभी इसके अंदर ये ब्रोंकाई होती है, कार्टिलेज, यहाँ तक ब्रोंकाई में भी कार्टिलेज बना होगा, ठीक है, यहाँ पर भी कार्टिलेज होगा, लेकिन जब ये फेफड़े के अंदर जाएगा मजीद छोटी छोटी और नालियों में तकसीम हो जाती है, छोटी छोटी इस तरीके से नालियाँ बनती हैं, ये देखें ट्यूब, इसे कहते हैं ब्रोंकियोल्स। लेकिन जैसे ये नालियाँ बढ़ती जाएंगी इनमें से कार्टिलेज की मिकदार कम होती जाएगी, एक ऐसा आएगा कि एंड में बिल्कुल कार्टिलेज की मिकदार खत्म हो जाएगी, ठीक है, ये होगी ब्रोंकियोल्स। इसके अंदर तकसीम दर तकसीम हो गए मजीद छोटी छोटी शाखों में तकसीम हो जाती है ब्रोंकाई, तो तब इसे कहते हैं ब्रोंकियोल्स। अभी ब्रोंकियोल्स का जो इख्तिताम होता है, ये देखिए आप, ये यहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ पे इख्तिताम होता है यानी खत्म होता है, एंड होता है वहां पे, इसे कहते हैं एल्वियुलर डक्ट्स, ठीक है, इसका नाम है एल्वियुलर डक्ट्स। अभी एल्वियुलर डक्ट्स मतलब इसके इख्तिताम पे ये आ गया, एल्वियुलर डक्ट्स हमने इसके बारे में पढ़ लिया, यानी जहां पर ब्रोंकियोल्स का इख्तिताम होगा द एंड होगा वहां से मतलब उसे कहेंगे एल्वियुलर डक्ट्स। अभी एल्वियुलर डक्ट्स ये हवा के खाने में खुलती है और ये इसके ऊपर एल्वियुलाई का इसके ऊपर एल्वियुलाई का जाल बना होता है, कुछ इस तरीके का होता है, मैं बड़ा सा बना देता हूँ ये मिसाल के तौर पर, एल्वियुलाई कुछ इस तरह की होती है। अब ये एल्वियुलर डक्ट्स, एल्वियुलर डक्ट्स के ऊपर एक गुच्छा बना होता है एल्वियुलाई का, ठीक है, एल्वियुलाई का गुच्छा बना होता है कुछ इस तरीके का, कहते हैं कि वो इंसान के जिस्म में गैसों के तबादले की सतह ये एल्वियुलाई बनाती है, यानी सरफेस ही इसी का ये बनाती है एल्वियुलाई, इसमें इंसान के गैसों का तबादला होता है इसी की वजह से, कुछ इस तरह की होती है। अभी हम देखते हैं कि ये एक जनरल सी मैं आपको बात बताता हूँ कि हमारे बुक में भी जो लिखी हुई है कि जब हमारे बॉडी, हमने 9th क्लास में पढ़ा था हार्ट के बारे में, दिल के बारे में, वहाँ पे हमने एक पल्मोनरी आर्टरी पढ़ी थी, पल्मोनरी आर्टरी पड़ी थी जो डीऑक्सीजनेट ब्लड को हमारे लंग्स की तरफ लेके जाती थी, वो किस तरीके से होता था, वो आर्टरी मजीद आर्टरियोल्स में तकसीम होती थी, आर्टरियोल्स के बाद वो फिर कैपिलरीज में तकसीम हो जाती। अभी ये फिर कैपिलरीज का ही जाल, फिर इसके ऊपर हमारे कैपिलरीज का जाल, वही कैपिलरीज होती है, इसके ऊपर इस तरह की बिछा होता है एल्वियुलाई के, और ये एल्वियुलाई होती है ना, ये एपिथेलियल सेल से मिलकर बनती है, एपिथेलियल, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, मतलब सिंगल मेम्ब्रेन पे बिल्कुल सिंगल मेम्ब्रेन होती है सेल की, जो इसके ऊपर मतलब लिपटे होती है, और यहाँ कैपिलरीज का जाल होता है, और ये कैपिलरीज ही होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मतलब हमारे लंग्स की तरफ लाती है, और फिर ये यहाँ तो ऑक्सीजन आ रहा है जो हम सांस ले रहे हैं, जब ऑक्सीजन इसके अंदर मिक्स हो जाता है तो फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड हो जाता है, जबकि ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है तो फिर ये जो कैपिलरीज होती है खिलाफ होता है, ये वेन्यूल्स बनाता है, और वेन्यूल्स के बाद ये वैन बनती है जो हमारे हार्ट की तरफ जाती है, जो होती है पल्मोनरी वैन, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी ऑक्सीजन वाला हो जाता है। फिर आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा कि ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है, हमारे हार्ट में जब पहुँचता है तो फिर हमारे जो एओटा होती है वहाँ से ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन वाला। आपको आई होप के सब लेक्चर समझ में आया होगा, कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो समझ में ना आ जाएगी, अगर कुछ भी आपका क्वेश्चन होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।